कैसे है भाई सभी। चलिए तो आज हम 7:30 बजे आए हैं। आप सभी जल्दी से आ जाएंगे, अपने दोस्तों को बुला लेंगे और कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है उन बच्चों का नाम मैं लेना चाहूंगा फटाफट से, जो कि रेगुलर क्लास के लिए तैयार रहते हैं। तो फटाफट से कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। एनिमल किंगडम, भव्य शर्मा, ममता, चलिए रामचरण, शिव बोरिस, खतरनाक जाट भी जुड़ चुके हैं, सतीश चौधरी, अमायरा, चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। जल्दी से आ जाओ, फटाफट अपने दोस्तों को बुला लो और सभी बच्चे अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। फटाफट से लाइक और शेयर मिल जाना चाहिए जल्दी से, समझ गए? चलो बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। लाइक और शेयर लगातार होने चाहिए और फटाफट आ जाओ सारे बच्चे, बिल्कुल आगे तरफ बढ़ेंगे। चलिए टेलीग्राम चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि क्या मिल जाएगा आपको, ताकि आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे पूरी पूरी क्लास की। आकाश, वर्षा, अमायरा, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे आपको आना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम चैनल को, ताकि सब कुछ आपको प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलते रहे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद द एजुकेटर के साथ साथ आपको लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस और साथ ही साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? हेलो प्रदीप, भव्य, बिल्कुल ठीक है। आगे की तरफ चले तो इंडिया बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है and you have to just install the app and go to the plus section, guys, go to the plus section, choose your goal and get a subscription, get a subscription, use my code RSS10, use a code RSS10 for instant 10% off, for instant 10% off you can use my code RSS10। and kal tak humne jo baat kar li thi wo kis par kahan tak baat kar li thi, bony fishes tak ka humne cartilage fishes tak baat kar li thi, aaj hum jo baat karenge wo osteocytes yani ki बोनी फिशेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बोनी फिशेस की बात करेंगे। प्रदीप कुमार, गुड इवनिंग आकाश, बहुत बढ़िया। तो आज बच्चे हम बोनी फिशेस की बात कर रहे हैं, जो कि जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है? बोन का। एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। तो बोन का एंडोस्केलेटन होता है इनके अंदर, ध्यान रखिएगा इस बात को। और बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर है ये फिशेस, मराइन भी है, फ्रेश वाटर फिशेस भी है। उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन्ड है, दे हैव द बोनी एंडोस्केलेटन। माउथ यहाँ पे टर्मिनल है। माउथ कैसा है? माउथ यहाँ पे कैसा है बच्चे? टर्मिनल है। अगर मछली हम बनाएंगे तो मछली अगर ढंग से बनाए हम तो, आप सभी ने बचपन में मछली बनाई होगी, तो हम मछली बनाते हैं जिसका माउथ यहाँ पे टर्मिनल होता था। माउथ कैसा होता था? टर्मिनल। वहीं शार्क यानी कि कॉन्डियोसाइट्स के अंदर माउथ कैसा था बच्चे? यहाँ था उनका माउथ, ठीक है? उनका माउथ कैसा था? वेंट्रल साइड पे उनका माउथ था। और यहाँ पे माउथ कैसा है? यहाँ पे माउथ है टर्मिनल। यहाँ पे कैसा है माउथ? टर्मिनल माउथ है यहाँ पे, समझ गए बात को सभी बच्चे? बॉडी स्ट्रीमलाइन है, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स व्हिच इज कवर्ड बाय ओपरकुलम। और इनका जो गिल्स होते हैं, फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जिनके ऊपर ओपरकुलम की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? गिल्स विद ओपरकुलम। गिल्स विद ओपरकुलम और ईस्ट साइड पे, दोनों साइड पे ये ओपरकुलम से ढके हुए रहते हैं, बिल्कुल अमायरा, वेरी गुड बच्चे। स्किन इज कवर्ड विद अ साइक्लॉइड स्किन, वहां पे लेकोइड थी, यहाँ पे साइक्लॉइड स्केल है या फिर टीनॉइड भी बोलते हैं। तो क्रीशेंट शेप होती है, आधे चांद की तरह, ठीक है? आधे चांद वाली शेप होती है, क्रीशेंट शेप होती है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि रेगुलेट कर रहा है बायंसी को, ठीक है? हार्ट इज टू चैम्बर, वन इज ओरिकल एंड वन इज वेंट्रिकल। हार्ट दो चैम्बर का है, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है? यानी कि अपना टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं करते हैं। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मींस देयर इज नो लार्वा। इसका साफ सा मतलब है कि यहाँ पे कोई भी लार्वा नहीं है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। डेवलपमेंट जो है बच्चे वो क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है,
समझ रहे हो बात को। चलिए आगे की तरफ बढ़े हम लोग। सही बच्चे रेडी हो तो हम आगे की तरफ बढ़े। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम बच्चों। यार लाइक करो सेशन को फटाफट से। दे आर मोस्टली ओपरेशन एंड डेवलपमेंटल डायरेक्ट बॉडी शेप इज वेरिड एंड लिंक टू इट्स लाइफ साइकिल लाइफ स्टाइल। बॉडी शेप जो है वो वेरिड है और लाइफ स्टाइल से मैच करती है। फास्ट स्विमर है नीड इलोंगेटेड बॉडी, बहुत तेज स्विम करते हैं और बॉडी कैसी है इलोंगेटेड है। बॉडी कैसी है इलोंगेटेड है, लंबी बॉडी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो मरीन यानी कि मराइन यानी कि सॉल्टी वाटर में मिलने वाले फिश का नाम है एक्सोसीटस। आप लोगों ने लाइफ ऑफ पाई देखी है, लाइफ ऑफ पाई के अंदर जो मछलियां उड़ती हुई जाती है उनको क्या बोलते हैं एक्सोसीटस बोलते हैं। और ये क्या है फ्लाइंग फिशेज है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है, ठीक है। दरियाई घोड़ा अलग होता है, सी हॉर्स अलग होता है, ठीक है। लेबियो यानी रोहू, कैटला यानी कि ये सारी फ्रेश वाटर है, क्लैरिस यानी कि मोगर, ये सारी की सारी फ्रेश वाटर फिशेज। और एक्वेरियम में कौन सी मिलती है आपको, बीटा यानी कि फाइटिंग फिश और पेट्रोफाइलिंग यानी कि एंजल फिश। एंजल फिश आपको कहाँ मिलती है आपके एक्वेरियम के अंदर पाई जाती है। तो ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखने हैं। एक्सटीरियर लेयर की बात करो, अगर आप एक्सटीरियर लेयर की बात करो तो एक्सटीरियर लेयर कैसी है इसके अंदर। एक्सटीरियर लेयर के अंदर कार्टिलेजनस फिशेज में तो कैसे स्केल्स होती है, प्लीकॉइड स्केल्स, इस तरीके की स्केल्स होती है। और बोनी फिशेज के अंदर टीनोइड स्केल्स होती है जो कि इस तरीके की होती है, हाफ सर्कुलर से, ठीक है। समझ गए यहां तक की बातें सभी बच्चे। चलिए बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, आगे तरफ बढ़े। लेटरल लाइन सिस्टम जैसी एक चीज है जो कि इनके अंदर मिलती है, जो कि यूनिक है। यूनिक सेंस ऑर्गन दैट इनेबल्स देम टू डिटेक्ट द वाइब्रेशन इन द वॉटर। इट इज अ यूनिक सेंस ऑर्गन दैट इनेबल्स देम टू डिटेक्ट द वाइब्रेशन इन द वॉटर। कैनाल इन साइड द बॉडी इज कनेक्टेड टू द सर्फेस बाय पोर्स। जो कैनाल है जैसे ये देखो सर्फेस पे पोर होते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज आएगी तो सीधी की सीधी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेन ट्यूब है, ठीक है। ये सेंसरी हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर और ये लेटरल लाइन सिस्टम पूरी की तरीके से क्या करता है उसको कवर करके चलता है, उसको कवर करके चलता है। समझ गए सही बच्चे बात को यहाँ तक। चलिए आगे इधर बात करेंगे तो लंग फिश की बात करते हैं। लंग फिश के अंदर एक्चुअल लंग्स होते हैं, ठीक है। और गिल्स जो है वो रिड्यूस मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक अडेप्टेशन चालू हो गई है कि आप एक्वेटिक से कहाँ पे आ गए हैं, एक्वेटिक से आप आना चालू हो गए हैं टेरेस्ट्रियल पे, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल पे आना चालू हो गए हैं। चलिए तब हम एम्फीबिया की बात करेंगे। हमने फिशेस की बात कर लिया, हम जमीन पे आएंगे और हम एम्फीबिया की बात करेंगे। एम्फीबिया मींस डुअल मोड ऑफ लाइफ। एम्फीबिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे डुअल मोड ऑफ लाइफ है। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये वाटर पे भी मिलते हैं और पानी में भी मिलते हैं और लैंड पे भी मिलते हैं। समझ में आ गई बात, लैंड और वाटर दोनों जगह मिलते हैं। एम्फीबियंस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हु मेड ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। एम्फीबियन वो पहले वर्टिब्रे हैं जिन्होंने एक ट्रांजिशन लिया था, कहां से एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल मोड पे आए थे। ये कहां से आए थे, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल मोड पे आने वाले ये पहले एनिमल्स थे, ठीक है। एम्फीबियन अकर्स इन द फ्रेश वाटर, जैसे कि कार्टिलेजनस फिशेस सिर्फ और सिर्फ मराइन में मिलती है, वैसे ही एम्फीबियन सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मॉइस्ट लैंड में मिलते हैं। There is no marine form, और इनकी कोई भी मराइन फॉर्म नहीं है। सम फ्रॉग लिव ऑन द ट्री, एग्जाम्पल हाइला, जिसको ट्री फ्रॉग बोल रहे हैं। हाइला क्या है, हाइला क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्री फ्रॉग बोल रहे हैं। हाइला का मतलब है ट्री फ्रॉग, समझ गए। चलेंगे आगे। टेम्परेचर इनका वेरिएबल है, ये पोइकिलोथर्मिक है, मोस्टली फॉर्म हाइबरनेट इन विंटर। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं बच्चे, हाइबरनेट बोलते हैं। और ये सारे के सारे जनरली क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं या एस्टिवेट करते हैं, हाइबरनेट या एस्टिवेट, इन दोनों में से ये करते हैं। हाइबरनेट मतलब होता है विंटर स्लीप,
मतलब अवॉइड कर देते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड कर देते हैं, और एक्टिवेशन मतलब होता है समर्स में, एक्टिवेशन मतलब होता है समर स्लीप। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ हम बढ़े। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, ज्यादातर के पास दो पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिविजिबल है। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, जो टेल है वो कुछ कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, टेल कुछ कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, एम्फीबियन की जो स्किन है वो मॉइस्ट है और बिना स्केल्स की है। दे हैव आईज एंड हैव आईलिड्स, अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट द एयर। हाइंड लिम्ब आर लार्जर देन द फोर लिम्ब्स इन द फ्रॉग, लीपिंग। देखो फ्रॉग का स्ट्रक्चर मैं तुमको बनाकर बताता हूँ। फ्रॉग कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है फ्रॉग। तो इनके जो हाइंड लिम्ब होते हैं ये लार्जर होते हैं, किसके अंदर मदद करते हैं, लीपिंग के लिए, हॉपिंग और लीपिंग मतलब जोर से कूदने के लिए मदद करते हैं विदाउट स्केल्स। चलो एंडोस्केलेटन लार्जली बोनी है, मतलब कि बोनी एंडोस्केलेटन मिलता है इनके अंदर ज्यादातर के अंदर, ठीक है। और स्कल जो है वो फ्लैट है एंड डाइकोंडाइलिक है, स्कल जो है वो फ्लैट है डाइकोंडाइलिक है, दैट इज हैज टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रे हमारी तरह एटलस है जो कि प्रोवाइड करती है मूवमेंट ऑफ हेड। फर्स्ट वर्टिब्रे क्या है बच्चे, एटलस है जो कि मूवमेंट ऑफ हेड प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे समझ आएगी बात, यहाँ तक की बातें सभी क्लियर है। वर्षा, अमायरा, डैशिंग, शिव, ब्लेड एक्स वाई जेड, ठीक है, सत्येंद्र, आरबी, सभी को बातें यहां तक समझ में आ गई है। आया ना, बोलो यार फटाफट। बिल्कुल वैभव राजपूत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट द एयर, सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है एयर के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरी की पूरी है, ठीक है। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, ये देखो एक कॉमन चैम्बर है क्लोएका, ये बॉडी के बाहर जा रहा है, पर इसके अंदर जो डक्ट आ रही है वो कहां कहां से आ रही है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, और साथ ही साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से भी आ रही है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्लोएका, क्या बोल रहे हैं, तो क्लोएका। और यहाँ पे जो आ रही है यहां से कौन आ रहा है, यहां से आ रहे हैं आपके कौन, यहां से आ रहा है ये वाली लाइन आ रही है आपकी एलिमेंट्री के नाल, तो आप इसको बोल सकते हैं रेक्टम या फिर वेस्ट मटेरियल यहां से आ रहा है, ये एलिमेंट्री के नाल, ठीक है। ये है आपका यार, ये जो कहां से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, कहां से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से, यानी कि क्या हो रहा है यहां से यूरिन एक्सिट हो रहा है, और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आ रही है, यानी कि गैमेट्स भी यहां तक आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये बॉडी के बाहर, ये क्या है, आउटसाइड ऑफ बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों से वेसल्स आ रही है, कहां पे, कॉमन चैम्बर है क्लोएका। क्लोएका इज द कॉमन चैम्बर व्हिच रिसीव्स द डक्ट, व्हिच रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यह क्लोएका आपको कई आने वाली क्लासेस में दिखेगा, कई आने वाली क्लासेस में दिखेगा ये क्लोएका आपको, समझ गए बात को। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, रेस्पिरेशन गिल्स से भी है, लंग से भी और स्किन से भी होता है। हार्ट इसका तीन चैम्बर है, दो ऑरिकल होते हैं ऊपर और एक वेंट्रिकल होता है नीचे, ठीक है, दो ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, याद रखिएगा, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल इनके पास होता है। दीज आर दी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड गिल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लार्वा बट मे परसिस्ट इन द अडल्ट। गिल्स लार्वा में तो हो सकते हैं, बस अडल्ट में हो या ना हो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, समझ गए। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट थ्री चैम्बर है, हार्ट थ्री चैम्बर है, बात कर ली हमने, ठीक है। दो चैम्बर होता है फिशेस के अंदर, इनके अंदर तीन चैम्बर है,
ठीक है, तो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है और वेंट्रिकल सिर्फ एक है, ब्लड की मिक्सिंग होती है, मिक्स्ड ब्लड होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड सुनील शर्मा, चलिए आगे की तरफ बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? मोस्टली एक्सटर्नल है, इट इज इंटरनल इन सेलेमेंडर, और सेलेमेंडर के अंदर इंटरनल है, बाकी सब में एक्सटर्नल होता है। मोस्ट ऑफ फॉर्म आर ओवीपेरस एंड सम आर ओवोवीपेरस। ओवीपेरस के अंदर क्या होता है? इमैच्योर बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, इमैच्योर बेबी बॉर्न, इमैच्योर बेबी का जन्म होता है। लाइफ हिस्ट्री के अंदर एक्वेटिक लार्वा और टैडपोल की मौजूदगी देखनी जाती है। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री के अंदर एक्वेटिक लार्वा या टैडपोल की मौजूदगी देखी जाती है बच्चों। क्रेनियल नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स की बात करें हम, तो देर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, देर इज नो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर विद अ सिंगल ऑडिटरी ऑसिकल्स, जो मिडिल ईयर है उसके अंदर सिंगल ऑडिटरी ऑसिकल्स है। ठीक है, इन एडिशन टू द इंटरनल लेयर, टिम्पेनम कवर्स द मिडिल लेयर। ठीक है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन यहाँ पे भी प्रेजेंट है लार्वल फॉर्म के अंदर, लार्वा और एक्वेटिक फॉर्म के अंदर यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि कहाँ देखने को मिल रहा था? फिशेस के अंदर देखने को मिल रहा था, जो कि फिशेस के अंदर देखने को मिल रहा था हमको। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो पेयर ऑफ किडनी, और ये अमोनिया सीक्रेट करते हैं, ठीक है, और यूरिया सीक्रेट करते हैं अडल्ट में, क्योंकि जो लार्वा है वो तो एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक फॉर्म तो क्या करेगी? अमोनिया सीक्रेट कर सकती है, पर टेरेस्ट्रियल फॉर्म अमोनिया सीक्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं, किडनी यहाँ पे होती है पूरी की पूरी, वासा डिफरेंशिया टेस्टिस ये सब यहाँ पे होता है। गोनेट्स क्लोइका में जाएंगे, हमने देख लिया। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्सटर्नल होता है, सेलेमेंडर में इंटरनल होता है। अखंड सिंह बच्चे, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सम आर ओवीपेरस, लाइफ हिस्ट्री जो है वो एक्वेटिक लार्वा यानी कि टैडपोल के अंदर मिलेगा। चलिए एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इस्थियोफिस यानी कि ब्लाइंड वॉर्म, नेक्टिवरस मड पपी, प्रोटियस ब्लाइंड केव सेलेमेंडर। प्रोटियस के बाद प्रोटियस का कॉमन नेम याद रखिएगा, ब्लाइंड केव सेलेमेंडर, एम्फीमिया, कॉन्गो ईल, सेलेमेंड्रा, स्पॉटेड सेलेमेंड्रा, राना, इंडियन फ्रॉग, बूफो, इंडियन टोड और रेखफसस यानी कि फ्लाइंग फ्रॉग। ये जो है इसकी फोटो है फ्लाइंग फ्रॉग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रेप्टाइल्स की बात करेंगे, जिन एनिमल्स की जो बैली है वो जमीन पर टच हो जाती है उनको बोलते हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल्स या फिर क्रॉलिंग एनिमल्स। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स या फिर क्रॉलिंग एनिमल्स। समझ की बात? सत्येंद्र बेटा, लव हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। चलिए हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स आर अबंडेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, वेरी फ्यू आर फाउंड इन द कोल्डर टेम्परेट रीजन एंड नन ऑफ आर फाउंड इन द एक्वेटिक और आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन। मोस्ट रेप्टाइल्स एंड कार्निवोरस और इंसेक्ट, ज्यादातर रेप्टाइल्स कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस होते हैं, ज्यादातर रेप्टाइल्स कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस होते हैं, याद रखिएगा। बहुत कम मिलेंगे आपको कोल्डर रीजन में, कोल्डर रीजन में तो है ही नहीं, और आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में तो रेप्टाइल मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, यानी कि अंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में आपको कोई रेप्टाइल नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको सांप से डरने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको सांप भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में आपको कोई रेप्टाइल नहीं मिलेगा, ये ज्यादातर इंसेक्टिवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, समझिए बात को। चलिए अपेंडेजेस की बात करेंगे तो क्या है, दो पेयर के अपेंडेजेस है, मतलब जो टेट्रापोडा में आते हैं, 5 डिजिट होती है इनके हाथ में, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां वैसे इनके में होती है। लिम्ब्स आर एब्सेंट इन फ्यू लिजार्ड एंड ऑल द स्नेक्स, और स्नेक्स के अंदर कोई लिम्ब्स नहीं होते हैं, स्नेक्स के अंदर कोई लिम्ब्स नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। चलिए, और ये दे क्रीप ऑन देयर बेली, यानी कि रेंगते हैं बेली के ऊपर, दे क्रीप ऑन देयर बेली।
ठीक है आगे चले स्किन की बात करेंगे तो रफ है, ड्राई है, विदाउट ग्लैंड्स एंड कॉर्निफाइड। रफ ड्राई स्किन स्किन है विद कॉर्निफाइड एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। इट इज पीरियोडिकली स्लॉग्ड ऑफ, और जो होती है ना केचुली निकालता ना सांप अपनी केचुली निकालता है उसका मतलब होता है कि वो अपनी जो स्किन है डेड स्किन है उसकी मॉल्टिंग कर रहा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉल्टिंग। हाँ बच्चे तो उसी को बोलते हैं लव हार्मोन भी आता तो है वहां काम और भी अफेक्शन भी होते हैं भाई। उसका एक हाइपोथेसिस है, कोई एकदम स्पेसिफिक डेटा नहीं है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया अमायरा बेटा, थोड़ा सा इसके क्वालिटी वीडियो की अच्छी कर ले, 480 पे कर ले दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा 480 पे कर ले क्वालिटी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। एंडोस्केलेटन बोनी है, स्कल मोनोकोंडाइलिक है, सिंगल ऑसिपिटल कोंडाइल होता है, फर्स्ट वर्टिब्रे एटलस एक्सिस, जैसे हमारे अंदर एटलस एक्सिस है वैसे इनके अंदर भी एटलस एक्सिस होती है। एटलस के अंदर आप बोलता हूँ इस तरीके से होती है और एक्सिस इसमें से यू निकली होती है, इसके ऊपर डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। ठीक है क्या होता है आपका डाइकोंडाइलिक, तो ये आपकी एटलस है, ठीक है ये एक्सिस है आपकी और ये आपकी एटलस है। तो एटलस और एक्सिस दोनों वर्टिब्रे क्या है, पहली दोनों वर्टिब्रे एटलस और एक्सिस है जो कि आपके मूवमेंट ऑफ हेड में मदद कर रही है। किसमें मदद कर रही है, मूवमेंट ऑफ हेड में मदद कर रही है, समझ गए। चलिए फॉलोइंग फैक्टर्स मेड द रेप्टाइल्स ट्रू लैंड एनिमल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट है, ये ट्रू लैंड एनिमल्स है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो रेप्टाइल्स आ गए, लैंड एनिमल्स हो गए, हॉर्नी स्केल है, वाटर लॉस नहीं होता जिससे बॉडी का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट गैमेट है और ये कैन नॉट, ठीक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्योंकि डेलिकेट गैमेट जो है वो लैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पानी पे तो सर्वाइव कर पाते हैं इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। शेल मिल गया यहाँ पे, शेल अराउंड दी एग, जो शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद सफेद वो अंडों के ऊपर आना चालू हो गया, तो ये भी एक तरीके से लैंड अडेप्टेशन है। फिर बात करेंगे तो फ्लूइड फिल्ड एम्नियन यहाँ पे मिलती है एम्ब्रियो के अंदर जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, समझ में आ गई बात। चलिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट देती है उस एम्ब्रियो को, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। चले हम लोग आगे, चलिए चलिए आगे चलते हैं। एडवांसमेंट ओवर द एम्फीबियन, कि एम्फीबियन के ऊपर क्या एडवांसमेंट है इसके अंदर, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है एग के ऊपर शेल है ताकि जमीन पे भी अपने अंडे दे सकते हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है तो ये सारी बातें इनके एडवांस कैरेक्टर है कि ये पूरी तरीके से लैंड के लिए बने हैं। क्लासेस की बात करें तो एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, डायप्सिडा, स्नेप्सिडा, ये सब क्या है क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स है। तो एनेप्सिडा तो लिविंग है, पेरेप्सिडा क्या एक्सटेंड कर चुकी, डायप्सिडा लिविंग है और स्नेप्सिडा भी क्या है एक्सटेंड कर चुकी, ये बहुत पुराने, ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो नाजा यानी कि कोबरा, बेंग्रस यानी क्रांति, वाइपरा यानी कि वाइपर स्नेक, किलियोन यानी कि टर्टल, टेस्ट यानी कि टॉर्टोइस, कैल्मियन यानी कि ट्री लिजार्ड। कई बच्चों को लगता है कि टॉर्टोइस सर एम्फीबियन है, टॉर्टोइस बेटा रेप्टाइल, ठीक है गार्डन लिजार्ड का नाम होता है कैलोटस, क्रोकोडिलस यानी कि क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल के अंदर बच्चे फोर चैम्बर हार्ट किसके अंदर देखने को मिलता है क्रोकोडाइल में। एलिगेटर को एलिगेटर बोलते हैं, हेमिडेक्टाइलस यानी कि वॉल लिजर्ड पॉइजनस स्नेक होते हैं, नाजा यानी कोबरा, बेंग्रस क्रांति, वाइपर, ठीक है ये सब क्या है इसके एग्जांपल है रेप्टाइल्स के, और ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, अपने मन से नहीं डाले हैं, तो सबको ये याद होने चाहिए, सबको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए।
अब हम एवीज की बात करेंगे, एवीज यानी कि बर्ड्स, एवीज यानी कि बर्ड्स की हम बात करेंगे। बहुत सुंदर क्रिएचर है बर्ड दुनिया का। समझ में आ रही है बात? प्रदीप, प्रिया, आकाश, बी यूनिक, शिव भोरसे, मस्ती, हिया मासूम, ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? सुनील शर्मा, वर्षा, आकाश, डैशिंग रोमियो, वैभव राजपूत, सभी को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। आगे तरफ बढ़ेंगे, हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे कि इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। कि बर्ड्स आर फाउंड इन द ऑल कॉन्टिनेंट सी एंड मोस्ट ऑफ द आइलैंड। बर्ड्स सारे कॉन्टिनेंट में मिलती है, समुद्र में मिलेगी और मोस्ट ऑफ द आइलैंड के अंदर। आइलैंड के ऊपर तो खास तौर पे ज्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिल जाती है। दे रेंज फ्रॉम द सी लेवल टू द ओवर द 400 meters, 400 मीटर की हाइट तक, माउंट एवरेस्ट तक बर्ड जा सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देयर वाइड अकरेंस इज ड्यू टू द पावर ऑफ द फ्लाइट, उड़ने की क्षमता के कारण इनकी जो है वाइड अकरेंस है, दुनिया के अंदर कहीं पे भी ये जा सकते हैं। तो इनकी जो वाइड अकरेंस इज ड्यू टू द फ्लाइट अडेप्टेशन, और वो इनएक्सेसिबल जो है, जैसे कि अब इंसान के लिए तो, सारे इंसानों के लिए तो ऐसा है नहीं कि वो माउंट एवरेस्ट अलग पार करके दूसरी तरफ चल जाए, नहीं ना, पर बर्ड्स जा सकती है उड़ के, ठीक है। इसीलिए बर्ड्स क्या है, इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट को भी एक्सेस कर पाती है। समझ गए सही बच्चे? आगे तरफ बढ़ेंगे, चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो बर्ड्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव वार्म ब्लड, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मींस एवीज कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, एवीज कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, एवीज कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और मैमल्स और एवीज ही दो है ऐसे क्लासेस जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इसलिए इनको होमियोथर्मल या फिर एंडोथर्मल भी बोलते हैं। दे प्रोवाइड द हाई मेटाबॉलिक रेट एंड क्विक एनर्जी सप्लाई, ठीक है। दे मस्ट फीड मोर ओपन, इसीलिए इनको लगातार खाने की जरूरत होती है, खाना पीना इनका लगातार चलता रहता है, ठीक है। देर आर टू पेयर ऑफ लिम्ब, यहाँ पे दो पेयर ऑफ लिम्ब है, ठीक है। पर आप बोलोगे सर बर्ड के तो दो ही पांव होते हैं, आप दो पेयर कैसे बोल रहे हो, एक ही पेयर बोलो, दो पेयर क्यों बोल रहे हो? बर्ड्स के तो, जब बर्ड्स के तो दो ही पांव होते हैं ना, तो पर मैंने पेयर बोला, देर आर टू पेयर ऑफ लिम्ब। बच्चे फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स फॉर फ्लाइट, जिनके फोर लिम्ब्स हैं वो मॉडिफाइड है किसके लिए, विंग्स फॉर फ्लाइट। Wings are worked by the powerful flight muscle, breast muscles attached to the large sternum or the breast bone. ठीक है, जो चिड़िया होती है, ये चोंच है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना चिड़िया का, ये वाला हिस्सा, ये तो पंख हो जाएंगे यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे होती है आपकी sternum bone, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे आपकी sternum bone होती है, जिसको breast bone भी बोला जाता है, ठीक है, जिससे कौन अटैच होती है, फ्लाइट मसल्स, कौन अटैच होती है, जिससे फ्लाइट मसल, जिससे अटैच होती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्टर्नम से कौन अटैच होती है, फ्लाइट मसल्स। चलिए समझ गए यहां तक की सारी बातें सही बच्चे? चलो भाई आगे चलेंगे। हाइंड लिम्ब्स और लेग्स आर लार्ज एंड अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, स्क्रैचिंग, पर्चिंग। अब ये आता है सर पर्चिंग क्या होता है, ये देख बच्चे ये चिड़िया आई, ठीक है। अब चिड़िया के पांव कैसे होते हैं, इस तरीके से आके ये किसी भी तार पे या किसी के ऊपर भी कोई भी चिड़िया आएगी तो जस्ट आके यूं बैठ जाएगी वो, समझ रहे हो, उसके पांव ऑटोमेटिकली उस सरफेस को पकड़ लेगी, उसके पांव
ऑटोमेटिकली ही उस सरफेस को पकड़ लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या कर रही है, वो पर्चिंग मूवमेंट कर रही है, वो क्या कर रही है, वो पर्चिंग मूवमेंट कर रही है। तो इस तरीके की ग्रिप, बिल्कुल बढ़िया सत्येंद्र, वेरी गुड बच्चे, ग्रिप बना लेते हैं जिस सरफेस पे बैठते हैं तो उसको बोलते हैं पर्चिंग। तो ये होता है आपका पर्चिंग, ये क्या होता है आपका पर्चिंग, जो ये है। मैं थोड़ा सा कलर इसके अंदर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो वायर का कलर चेंज कर देते हैं, किसका कलर चेंज कर देते हैं, इस वायर समझ गया। तो इस तरीके के पकड़ने को, इस तरह के ग्रिप बनाने को क्या बोलते हैं, पर्चिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्चिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ईच फुट यूजुअली प्लेस फोर क्लोज और टोज, ठीक है, समझ में आ गई यहां तक की बात, सारी बातें सभी को। आगे बढ़ेंगे तो स्किन जो होती है वो एपिडर्मल होल्डी एक्सोस्केलेटन जो कि फेदर्स का है, फेदर्स मॉडिफाइड स्केल्स होती हैं, फेदर्स क्या है, मॉडिफाइड स्केल्स, और ये दे कंजर्व द बॉडी हीट एंड हेल्प इन फ्लाइट, प्रोवाइड द कलरेशन टू द ब्लड, लेग्स बियर द होल्डी एपिडर्मल, और ये इनके जो लेग्स हैं, इनके जो लेग्स को देखिए, कहावत है कि मोर बहुत सुंदर होता है, मोर है वो बहुत सुंदर है पर वो अपने पांव को देख के रोता है, ऐसी एक कहावत बोली जाती है कि जो कि रूरल इंडिया है, और बहुत अच्छी ये बात है कि मोर भले ही कितना भी सुंदर हो पर वो अपने पांव को देख के खुश नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पांव में क्या है, होर्नी एपिडर्मल स्केल्स है जो कि रेप्टिलियन एंसेस्ट्री की याद दिला रही है। तो अगर हम बात करें कि जो अगर बर्ड्स का ओरिजिन सही से हुआ है तो वो कहां से हुआ है मेरे बच्चे, बर्ड्स का ओरिजिन अगर सही से हुआ है तो वो हुआ है उसके रेप्टाइल से ओरिजिन हुआ है, कहां से ओरिजिन हुआ है बर्ड्स का, रेप्टिलियन ओरिजिन है बर्ड्स का, समझ गया बात को, रेप्टिलियन ओरिजिन है ब्लड बर्ड्स का, ये बात ध्यान रखना, और ऐसा उनके पांव पे प्रेजेंट जो एपिडर्मल स्केल है उनसे, एपिडर्मल स्केल से उससे पता लगा है। चलिए आगे चले, एंडोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। इट इज फुली ऑसिफाइड, लाइट बट स्ट्रॉन्ग, पूरी तरीके से ऑसिफाइड है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, मैनी बोन्स आर फ्यूज्ड टू अक्वायर स्ट्रेंथ, लॉन्ग बोन्स होती है और न्यूमेटिक बोन होती है। ये न्यूमेटिक बोन क्या है भैया, कौन बताएगा मुझे कि ये न्यूमेटिक बोन्स क्या होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है आपकी होलो बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स कौन सी होती है, होलो बोन्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। स्कल जो है वो मोनोकोंडाइलिक है, सिंगल ऑसिपिटल कोंडाइल होता है, स्ट्रक्चर जो है वो इंडिस्टिंक्ट है, द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रा आर एटलस एंड एक्सिस, जो कि हम पहले से बात कर रहे हैं, वो हेड मूवमेंट के लिए सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, हेड मूवमेंट को सपोर्ट करती है, समझ गया बात को, सभी बच्चे बात को समझ गए। चले हम लोग आगे, होलो बोन बिल्कुल हमारा, वेरी गुड बच्चे, न्यूमेटिक यानी हमारा, वर्षा वेरी गुड, सत्येंद्र वेरी गुड, ठीक है, होलो बोन यानी कि हवा भरी होती है इनकी बोन्स में ताकि इनका वेट कम हो जाए और ये उड़ सके, इसीलिए इनके अंदर ठोस बोन नहीं होती, कैसी बोन होती है, होलो बोन होती है, ठीक है। ये देखो तुम लोग किस तरीके की बोन होती है, ये तो होती है अपनी बोन, ये है ह्यूमन की बोन, ह्यूमन की बोन देखिए एकदम स्ट्रांग है, पर बर्ड की बोन के अंदर क्या है, एयर कैविटीज है, क्या है, एयर कैविटीज है, एयर फिल्ड होती है, ये कैसी होती है, एयर फिल्ड, और ये कैसी है, सॉलिड है, ये कैसी है, सॉलिड बोन, और ये कैसी है, होलो बोन, ठीक है। ये मदद करती है कि ये हवा में उड़ सके, ये मदद करती है कि ये हवा में उड़ सके, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। चलिए बहुत बढ़िया, पोस्टीरियर थोरेसिक लंबर सैक्रल वर्टिब्रा यहाँ पे है जो कि फ्यूज करती है और एक वर्टिब्रा बनाती है, इसको बोलते हैं सिनसैक्रम, ठीक है। स्टर्नम लार्ज है विद अ मीडियन कील और द कार्निया अटैच्ड टू द फ्लाइट मसल्स, टेल जो है वो वर्टिब्रा की तरह फ्यूज है और उसको बोलते हैं फाइबोस्टाइल, सिंगल बोन की टेल होती है उसको बोलते हैं फाइबोस्टाइल, समझ गए, बर्ड्स की टेल को अगर बोलेंगे, बर्ड्स की टेल को क्या बोलेंगे, फाइबोस्टाइल। हाँ बेटा सत्येंद्र, चलिए
ये ह्यूमरस है, देख सकते हो ये ह्यूमरस है, ये फ्यूज्ड कॉलर बोन है, ये कील है जो कि स्टर्नम है, इससे ही आपकी क्या है फ्लाइट मसल अटैच होती है, इसी से आपकी फ्लाइट मसल अटैच होती है, समझ गए। चलिए, इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड डायनासोर, ऐसा माना जाता है कि डायनासोर धरती छोड़ के नहीं गए हैं, डायनासोर साइज में रिड्यूस हो गए और बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, डायनासोर जो थे वो साइज में रिड्यूस होके बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, ऐसा माना जाता है बच्चे, इस बात का विशेष तौर पे देखो ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायनासोर इवोल्यूशनरी लिंक क्या है, उनके बीच के अंदर इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड डायनासोर आर क्या है, इवोल्यूशनरी लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसका स्केलेटन मिला था और उससे ये साबित हुआ कि हाँ कुछ तो लिंक है बिटवीन द डायनासोर्स एंड द बर्ड्स, देयर इज अ सम लिंक बिटवीन द डायनासोर्स एंड द बर्ड्स एंड द आर्कियोप्टेरिक्स स्केलेटन हैज प्रूव्ड दैट, जैसे कि आपको कई चीजें यहाँ मिल जाएगी, फर्कुला, एब्डोमिनल बोन, ठीक है, लॉन्ग टेल, फाइगो स्टाइल, जैसे कि मॉडर्न बर्ड में होती है, मॉडर्न बर्ड्स के अंदर ये छोटी हो गई है बस, ठीक है, पार्शियली फ्यूज मेटाटार्सल्स, समझ में आ गई बात, टूटेड बीक, जॉ बोन होती थी यहाँ पे, मॉडर्न के अंदर टूथलेस हो गई है, थ्री विंग मैनस, फर्क्यूला, स्टर्नम, ये यहाँ पे मिल जाते थे, आर्कियोप्टेरिक्स में मिल जाते हैं, बिल्कुल सत्येंद्र, ड्रैगन अलग थे बेटा, ड्रैगन अलग थे, आशुतोष पांडे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ये पूछा क्या है नीट में, क्या एंसेस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है, ये नीट के अंदर पूछा हुआ सवाल है, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये नीट के अंदर पूछा हुआ सवाल है। चलो, अब बोथ क्लेविकल एंड सिंगल इंटरक्लेविकल, जो क्लेविकल बोन होती है ना हमारी गर्दन वाली, जिसको बोलते हैं कॉलर बोन, जिसको बोलते हैं, बोथ क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल बोन जो है वो वी शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, कैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, वी शेप स्ट्रक्चर, और इसको विश बोन भी बोलते हैं या फिर मैरी थॉट बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विश बोन या फिर मैरी थॉट बोन, क्या बोलते हैं, विश बोन या फिर मैरी थॉट बोन बोलते हैं, यानी कि इसको विश मांगते हैं, एक जना इधर से पकड़ता है और एक जना इधर से पकड़ता है, एक जना इधर से पकड़ता है, एक जना इधर से पकड़ता है, दोनों खींचते हैं, जिसके पास ज्यादा बड़ा हिस्सा आता है उसकी विश पूरी होती है, ऐसा माना जाता है यूएस के अंदर, ये सब बहुत चलन है, मतलब वेस्टर्न जो कल्चर है उसके अंदर इसको बहुत मानते हैं, इंडिया के अंदर इसको नहीं माना जाता है, समझ गया। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करें तो जो बोन जो है वो टीथ की तरह रहती है इस तरीके से, ठीक है। चलिए, बीक यहाँ पे सीड क्रशिंग के काम आती है, फ्रूट के फ्लैश टियरिंग, नेक्टर, वुड, ग्रेन पिकिंग, इंसेक्ट कैचिंग, सब के अंदर यहाँ पे बीक जो है वो काम आती है, फूड जो है वो डायरेक्टली सॉलो किया जाता है बिना उसको तोड़े, क्योंकि जो है नहीं, बीक है, बिना तोड़े फूड को अंदर लिया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड जहाँ पे तोड़ा जाता है, क्रॉप के अंदर फूड स्टोर होता है, गिजार्ड के अंदर फूड की ग्राइंडिंग होती है, गिजार्ड एक्ट एज अ ग्राइंडिंग मशीन टू क्रश और कर्न द सॉफ्टेंड फूड, गिजार्ड के अंदर फूड जो है वो क्रश हो जाता है, ईसोफेगस जो है वो किसके अंदर जाके खुलती है, ईसोफेगस बेटा जाके खुलेगी क्रॉप के अंदर, ईसोफेगस किसके अंदर जाके खुलेगी क्रॉप के अंदर, ये यहाँ पे इसकी बीक है, ठीक है, ये चोंच से आ रहा है, चोंच से खाना अंदर आ रहा है ईसोफेगस में, ठीक है, फिर क्रॉप है जहां पे खाना स्टोर हो रहा है, फिर क्या है गिजार्ड है, फिर क्या है एक अलग चैम्बर, इसको क्या बोला गया है गिजार्ड, और जहां पे क्या हो रहा है फूड की ग्राइंडिंग, क्या हो रही है बच्चे फूड ग्राइंडिंग हो रही है गिजार्ड के अंदर, सम बर्ड्स कीप स्टोन इन द गिजार्ड, कुछ बर्ड तो अपने गिजार्ड में पत्थर भी रखती है ताकि खाना अच्छी तरीके से पच जाए, सम बर्ड्स कीप स्टोन इन द गिजार्ड फॉर द इफेक्टिव क्रश ऑफ सीड एंड ग्रेन, एलिमेंट्री कैनाल लीड्स टू द क्लोएका, यहाँ पे भी क्लोएका प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी बच्चे क्लोएका प्रेजेंट है, बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ पे भी क्लोएका प्रेजेंट होता है मेरे बच्चे, समझ आ रही सभी को बात यहाँ तक की, हाँ ना बोलो भाई फटाफट, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सभी को,
चलिए आगे बढ़े, ये देखो ये इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, ये बकल कैविटी है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है, किडनी है, गिजार्ड है, यूरेटर है, ड्यूडेनम है, ये क्लोएका है, और ये हार्ट है, क्रॉप है, सारे के सारे यहाँ पे नॉर्मल इसका पूरा पूरा दे रखा है एनाटॉमी में। समझ गए? ऑल क्लियर? टपाटप क्लियर? वेरी गुड। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक विशेष बात ये है कि इनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चे, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि जिस कुछ इस तरीके का है। अब ये क्या है, ये है एयर सैक्स, ये एक दो मैंने अलग से चैम्बर बनाया, ये क्या है आपके एयर सैक्स है। क्या है? एयर सैक्स। इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, लंग्स के अंदर अलग से होते हैं एयर सैक्स, ताकि लगातार सप्लाई ऑफ एयर बनी रहनी चाहिए। अ सिस्टम ऑफ थिन वॉल्ड एयर सैक्स आर एसोसिएटेड विद द लंग्स सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इनटू द लंग्स। लंग्स कोलैप्स नहीं होने चाहिए क्योंकि इनको तो बहुत, इनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनके एयर के अंदर क्या होते हैं, इनके लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर ये अपने लंग्स के अंदर रख सके। चले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट इज रिलेटिवली लार्ज एंड बीट फास्ट एंड सप्लाई जो है वो एडिक्वेट है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड मिलता है ड्यूरिंग द फ्लाइट। फोर चैम्बर हार्ट है, ब्लड सेपरेट होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग है, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है और वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो दोनों के दोनों अलग अलग है। इससे जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी तेज हो जाती है इनकी, और ये सफिशिएंटली उड़ने में मदद करते हैं। चलिए ठीक है, बर्ड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं कि बर्ड्स हैव द रिचेस्ट ब्लड इन द एंटायर एनिमल किंगडम, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ब्लड, मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ब्लड, पर यूनिट ब्लड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी देखे जाते हैं बच्चे इसके अंदर, और रिचेस्ट ब्लड है इनका, रिचेस्ट ब्लड है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट ब्लड है आरबीसी के अंदर। बर्ड हैव रिचेस्ट ब्लड इन द एंटायर एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे रिचेस्ट ब्लड किसी का है तो बर्ड्स का है। समझ गए? चलिए ये ले बेटा, तो हमेशा मुझे साइड ही करते रहता है सत्येंद्र, नहीं पूरा साइड मत कर दियो, एक दिन थोड़ा बहुत रहने दियो, हमेशा इतना साइड भी मत करके मैं पूरा ही साइड हो जाऊं कभी किसी दिन। बिल्कुल बच्चे अमायरा, मैंने बोला कि इनका हार्ट के अंदर एयर सैक्स होते हैं, हार्ट जो है वो बड़ा है और फास्ट बीटिंग है, क्यों, और इनका जो ब्लड है वो रिचेस्ट है, ब्लड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आरबीसी मिलते हैं, ब्लड के अंदर रिचेस्ट अमाउंट ऑफ आरबीसी मिलते हैं, बिल्कुल। हाय टीकू यादव, चलिए मैं सही पढ़ रहा हूँ नाम तेरा। चलिए अब दिख रहा है, अब दिख रहा है बिल्कुल, हम स्मार्ट बोर्ड पे आएंगे बच्चे, अभी थोड़े दिन में आएंगे स्मार्ट बोर्ड पे भी, पर अभी इतना हम इससे काम चला दें क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से कंटेंट दिख जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक की सारी बातें सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी? विशाल राज, चले हम लोग आगे। चलिए आ जाओ, मैं आ जाता हूँ। एसिडिटी सिस्टम ऑस्मोरेगुलेशन किडनी से होता है, यूरेटर क्लोएका में होती है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है तो ये क्या है, फ्लाइट अडेप्टेशन है। आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, फ्लाइट अडेप्टेशन है, यानी कि उड़ने में मदद करता है ये भी, ये फ्लाइट अडेप्टेशन है। एसिडिटी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड यानी कि यूरिकोटैलिक है। एसिडिटी प्रोडक्ट कैसा है, यूरिक एसिड है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक बोलेंगे। यूरिक एसिड निकालने के लिए सबसे कम वाटर की आवश्यकता है, यूरिक एसिड निकालने के लिए सबसे कम वाटर की आवश्यकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वही है, फीमेल के अंदर सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी होती है, राइट ओवरी नहीं होती है। ठीक है, राइट वाली एब्सेंट होती है, ये भी क्या है, एक तरीके का फ्लाइट अडेप्टेशन ही है। ये भी क्या है, एक तरीके का फ्लाइट अडेप्टेशन भी है। गोनेडो डक्ट लीड टू द क्लोएका, गोनेडो डक्ट कहां लीड कर रही है, क्लोएका में।
बिल्कुल 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 सत्येंद्र, मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता मत करो। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्रोवस यानी कि क्रो, कोलंबिया यानी कि पिजन, पिस्टिगा यानी कि पैरट, स्ट्रूडो यानी कि ऑस्ट्रिच, पेवो यानी कि पीकॉक, एपेंडाइटिस यानी कि पेंगुइन, नेफ्रॉन यानी कि वल्चर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं। ठीक है, बोल भाई सच बोल। अब क्या करें वर्षा, कोई बोलेंगे साइड होने के लिए तो होना ही पड़ेगा, क्या करें। अब हमारी अगली क्लास है क्लास मेमेलिया, जिसको हम बिलोंग करते हैं, जिसको हम बिलोंग करते हैं, वो क्या है हमारी अगली क्लास, क्लास मेमेलिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हैबिट की बात करेंगे तो हैबिट हेयर क्लैड यानी कि बॉडी पे हेयर मौजूद है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, हालांकि व्हेल और डॉल्फिन कैसी है, मैमल्स है, और वो कहाँ रहती है, पानी में। एयर ब्रीदिंग होती है, वार्म ब्लडेड होते हैं, विविपेरस होते हैं, टेट्रापॉड होते हैं। ठीक है, देखकर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैबिटेट, देखकर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैबिटेट, पोलर रीजन में मिलते हैं, पोलर बियर्स टू द ट्रॉपिक्स इंक्लूडिंग द डेंसेस्ट फॉरेस्ट एंड द ड्राइएस्ट डेजर्ट। एकदम ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई डेजर्ट से लेकर एकदम डेंस फॉरेस्ट तक ये हर जगह मिलेंगे। लक्ष्मी राणा हाय बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। और मैमल्स क्या है, शॉर्ट मैमल्स शो द ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड हैबिटेट, ये बरोइंग बिल बनाकर रहते हैं, भागने वाले हैं, क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है। फ्लाइंग मैमल्स का नाम बताओ कोई मुझे बच्चे। हैबिट यानी कि जो उसका रहन सहन है, और हैबिटेट यानी कि जहां पे वो रह रहा है, समझ में बात, कि उसकी लिविंग हैबिट कैसी है, वो उसकी हैबिट है, और हैबिटेट यानी कि वो कहां रह रहा है, उसकी हैबिट है। मुझे एक फ्लाइंग मैमल का नाम कोई बताएगा, कोई होशियार बच्चा है मेरी क्लास में जिसको पता है कि फ्लाइंग मैमल्स कौन से होते हैं। बेटा बी विशाल ना, बी तो यार आर्थ्रोपोडा में आता है, बी मैमल थोड़ी है, कौन बताएगा मुझे। जल्दी बताओ भाई फ्लाइंग मैमल। तो बच्चे बैट यानी कि चमगादड़, यार चमगादड़ को कैसे भूल सकते हो तुम लोग, बैट ये फ्लाइंग है, इसी के कारण तो कोरोना की महामारी फैली थी, समझ गए बात को, बैट चमगादड़। बिल्कुल गुरुजी, वर्षा बेटा वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बैट बिल्कुल मस्तीगल, बिल्कुल सही बात बोली है, अनुज ने भी सही बात बोली है, बिल्कुल अमायरा वेरी गुड, वर्षा वेरी गुड। चलिए चले हम लोग आगे। देयर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड यानी कि होम्योथर्मल होते हैं, दिस गिव एनिमल अ हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेक देम एक्टिव लाइक बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। चले हम लोग आगे। बिल्कुल विशाल, अब सही बोली तूने बात। स्किन के अंदर हॉर्नी एपिडर्मल हेयर होते हैं, हेयर ऑन द स्किन, फैट अंडर द स्किन टू कंजर्व द बॉडी हीट, और ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड जिसको सूडोनीफेरस ग्लैंड बोलते हैं, सूडोनीफेरस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, वैक्स को सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, मिल्क ग्लैंड को मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, और मेमरी ग्लैंड मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड कूल्स द बॉडी टेम्परेचर, और जो स्वेट हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है, ताकि हमारे बॉडी सरफेस को ठंडा रख सके, इसलिए हमारी बॉडी सरफेस से क्या पसीना निकलता है, रेस्पिरेशन अकर्स ओनली बाय लंग्स, रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ लंग्स से होता है, स्पॉन्ज और इलास्टिक लंग्स है यहाँ पे। रिब मसल एंड डायफ्राम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रीदिंग, रिब मसल एंड डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रीदिंग के अंदर। ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय द एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस जो होता है यानी कि ट्रेकियल पोर किससे गार्डेड होता है, एपिग्लॉटिस से। किससे गार्डेड होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं। चलिए, हार्ट फोर चैम्बर है, दो ओरिकल दो वेंट्रिकल, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हार्ट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, बाइकॉनकेव विदाउट न्यूक्लियस, एन्यूक्लिएटेड मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी इन द एनिमल एंटायर
एनिमल किंगडम। मेंबर्स के अंदर सबसे छोटे आरबीसी होते हैं सारे एनिमल किंगडम्स के अंदर। अमंग द मेंबर्स एलिफेंट के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं और मस्क डियर के अंदर सबसे छोटे होते हैं। एसिडिटी सिस्टम के लिए किडनी है, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरेटर ओपन इन टू द यूरिनरी ब्लैडर। और डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस मदर के अंदर होता है, मतलब इंटरनल ही है। मेमरी ग्लैंड होते हैं टू प्रोड्यूस द मिल्क, ठीक है। प्लेसेंटा होता है इनके अंदर एंड यंग वन नरिश द मिल्क, ठीक है। यंग वंस को मिल्क से नरिश किया जाता है और ग्रेट केयर एंड लव यहाँ पे होता है। क्लास मेमेलिया की बात करें तो हमारे पास तीन क्लास है, प्रोथीरिया, थीरिया। थीरिया के अंदर है मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, ठीक है। प्रोथीरिया वो थे पुराने जमाने के, प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव, प्रोथीरिया यानी कि प्रिमिटिव मेंबर, प्रो यानी कि प्रिमिटिव होता है, प्रो यानी कि प्रिमिटिव होता है, याद रखना। Also called as living fossil या फिर connecting link between the reptiles and mammals। तो reptiles और mammals के बीच में अगर कोई connecting link है तो वो कौन है? Prothiria है। ये Australia के nearby island में मिलते हैं, Australia और उसके nearby island में। इसका example है Ornithorhynchus यानी कि duck bill platypus and Tachyglossus यानी कि spiny ant eater। Spiny ant eater और कौन है example? Duck bill platypus इसके example है, ठीक है। और ये अंडे देते हैं, ठीक है। एग लेइंग होते हैं डकबिल प्लैटिपस, ठीक है। मेटाथीरिया यानी कि कंगारू की बात हो रही है, मार्सुपियल्स की बात हो रही है। इनको बोलते हैं पाउच मेंबर, बट इनके शरीर पे जो पाउच होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि ये एक मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं। ये कैसे होते हैं? ओवोविविपेरस। ये कैसे होते हैं? ओवोविविपेरस होते हैं। ये इमैच्योर बेबी को जन्म देते हैं और बाकी का डेवलपमेंट उस बेबी का उस पाउच में होता है। बाकी का डेवलपमेंट उस बेबी का उस पाउच में होता है। उस पाउच के अंदर नरिशमेंट किया जाता है। फीमेल हैज अ पाउच फॉर मार्सुपियम फॉर द रियरिंग ऑफ द यंग वंस। गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है बट लैक्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। तो गेस्टेशन पीरियड तो छोटा है बट लैक्टेशन पीरियड बहुत लंबा चलता है इनके अंदर। एग्जाम्पल है कंगारू, मैक्रोपस, ओपोसम यानी कि डायडेल्फिस, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है बच्चे। आगे चले एग्जाम्पल की बात करें तो ओविपेरस, ऑर्निथोराइक्युलस, प्लैटिपस, ठीक है। विविपेरस यानी कि टेट्रिपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस यानी कि कैमल जिसके अंदर न्यूक्लेटेड आरबीसी है, मैगे यानी कि मंकी, रेटस यानी कि रैट, कैनिस यानी कि डॉग, फेलिस यानी कि कैट, ठीक है। एलिफेस यानी कि एलिफेंट, एक्वस एक्वस यानी कि हॉर्स, डेलिफेंस यानी कि कॉमन डॉल्फिन, ठीक है। बेलेनोपेट्रा यानी कि ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन दोनों के दोनों मैमल है। पैंथरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, पैंथरा लियो यानी कि लायन, पैंथरा यानी कि जीनस, पैंथरा का मतलब जीनस है। यहाँ पे समझ रहे हो सारी की सारी बातें यहाँ तक? सही बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी बच्चे को तो बोलो मुझे फटाफट से। ये सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं बेटा, याद करने जरूरी है। फोटो भी दे रखी है एनसीईआरटी में इनकी। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट। एनिमल किंगडम का रिवीजन कंप्लीट होता है एंड क्विज कब होगा? एंड क्विज है कल 1 बजे। क्विज इज टुमारो 10 PM। कल 10 PM पे क्विज की स्थापना रखी जाएगी। कल 10 PM पे क्विज होगा, कल 10 PM पे क्यूज होगा बच्चों, याद रखना। कल 10 PM पे क्यूज होगा, इस बात को याद रखिएगा आप सभी। चलिए, और जाते जाते आप लोग किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं फ्री कंटेंट? कोड है RSS10। RSS10 कोड डालिए, फ्री कंटेंट को अनलॉक करिए RSS10 कोड से। आगे की बात करेंगे तो स्टेप टू ज्वाइन द क्यूज का सीधा सा मतलब है डाना अकेडमी एप डाउनलोड करके गोल सिलेक्ट करके आप नीचे की तरफ जाएंगे, मेन्यू बटन में प्लस के बाद नीचे की तरफ जाएंगे बॉटम साइड में स्क्रीन पे, तो आपको ज्वाइन क्विज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू गेट अ सब्सक्रिप्शन, यू मस्ट गेट अ सब्सक्रिप्शन, एक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके ऊपर आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ मार्च तक है, मार्च के बाद ये ऑफर बचेगा या नहीं बचेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यू कैन यूज माय कोड RSS10 फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। Guys, please do prepare for your exam and take an academy subscription. Okay, I'll see you soon.
आई सी यू टुमारो 1 PM विद एन अमेजिंग क्विज। क्विज जो है वो एनिमल किंगडम का कल 1 बजे होने वाला है, तो सभी बच्चे ध्यान से पहुंच जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।